भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के सुंदरवती महिला महाविद्यालय रोड में एक खाली जमीन की चार दीवारी गिर जाने के बाद मोहल्ले के कुछ लोगों के द्वारा वहां पर काली प्रतिमा बनाए जाने वाली लकड़ी के स्ट्रक्चर को लाकर रख दिया गया। वहीं एक बांस भी यहां पर गाड़ दिया गया था, जिसकी सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल और बरारी थाना के साथ मजिस्ट्रेट और नगर निगम के अतिक्रमण दस्ता ने पहुंचकर खाली पड़ी जमीन पर रखे काली प्रतिमा बनाए जाने वाली लकड़ी के स्ट्रक्चर को मोहल्ले के युवकों से कहकर हटवा दिया। दरअसल यह जमीन सरकारी है और सुंदरवती महिला महाविद्यालय की जमीन बताई जा रही है। वहीं बरसात के कारण कल रात चार दीवारी गिर गई थी, जिसके बाद मोहल्ले के कुछ शरारती तत्वों के द्वारा यहां पर जमीन कब्जा करने की कोशिश की गई, जिसको लेकर मोहल्ले के ही कुछ लोगों के द्वारा जिला प्रशासन से शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस और मजिस्ट्रेट की निगरानी में कार्रवाई की गई। वहीं इस कार्रवाई को लेकर मोहल्ले के लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित नमामि गंगे घाट पर कांवरियों के लिए नगर परिषद और जिला प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां पूरी किए जाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन गंगा घाट जाने में कांवरियों को काफी मशक्कत करना पड़ रहा है। दरअसल गंगा में प्रवेश करने के लिए श्रद्धालुओं को नुकीले और बड़े बोल्डर से जाना पड़ेगा, ऐसे में श्रद्धालु चोटिल भी होंगे। जिला प्रशासन जलस्तर बढ़ने के इंतजार में है, ताकि जलस्तर बढ़ने के बाद पानी सिर पर पहुंचेगा तो श्रद्धालु वहां स्नान करेंगे, लेकिन वर्तमान में जो हालत हैं 2 जुलाई से हजारों कांवरिया यहां गंगा स्नान करेंगे। अगर व्यवस्था ठोस नहीं की जाती तो कांवरियों को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। डीएम ने कहा कि जलस्तर बढ़ने का इंतजार है, जलस्तर नहीं बढ़ता है तब वहां जियो बैग डलवा दिया जाएगा। पानी कम है, पिछले साल में पानी इस समय में थोड़ा ज्यादा था, तो जिसके कारण जो सीढ़ी पर पानी आ जाने से श्रद्धालुओं को सुविधा होती थी। इस बार नीचे रहने के कारण जो यहाँ पे निर्माण वाला जो क्षेत्र था वहाँ पर पत्थर वगैरह है, तो वहाँ हम लोग जियो बैग डलवा देंगे, ताकि जो है श्रद्धालुओं को पानी में नहाने में कोई दिक्कत नहीं हो। बैरिकेडिंग लगभग में कंप्लीट हो गई है और इसको लेकिन फिर शिफ्ट करना पड़ता है, जैसे पानी बढ़ेगा तो बैरिकेडिंग ऊपर करना पड़ता है, और जहाँ भी जो आवश्यकता पड़ेगी और जिस घाट को ऐसा लगेगा कि वहाँ पानी अचानक से बहुत ज़्यादा गहरा हो जा रहा है, जैसे अभी हम लोग पुराना जो सीढ़ी घाट है वहाँ एक घाट को खतरनाक घाट डिक्लेयर करने जा रहे हैं, तो वो तो पानी का जैसा उतार चढ़ाव होगा उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा, और उस फ्लड कंट्रोल जो डिवीजन है भागलपुर का वो लगातार तत्पर है, वो सारी व्यवस्थाएं सस। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र से जिले के टॉप 10 अपराधियों में से एक कुख्यात कफिल यादव को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया है। वहीं देर रात चलाए गए विशेष अभियान के दौरान 5 कुर्की वारंटी सहित एक व्यक्ति को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया। वहीं कुख्यात अपराधी कपिल यादव पर जिले के विभिन्न थानों में हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी सहित अन्य मामले दर्ज हैं। कपिल की गिरफ्तारी को बड़ी सफलता के रूप में पुलिस देख रही है। वहीं इसके अन्य साथियों के बारे में भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ किया गया है। वहीं इसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम जल्द ही छापेमारी करने की रणनीति तैयार कर रही है। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के सकरुल्ला चक मोहल्ला स्थित मस्जिद के पास से देर रात बबरगंज थाना प्रभारी राजरतन और सीआईटी की टीम के द्वारा छापेमारी कर अपराध की योजना बना रहे कुल 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 9 mm के एक पिस्टल और 9 mm पिस्टल के 8 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यहां पर कुछ अपराधी अपराध की योजना बना रहे हैं और किसी घटना को अंजाम देने वाले हैं, जिसको लेकर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और 7 लोगों को अपराध की योजना बनाते गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस की गिरफ्त में आए एक अपराधी रुस्तम पहले से ही कई कांडों में शामिल रहा है, जिसे भी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। वहीं सभी से पुलिस गहन पूछताछ के बाद सभी अपराधियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर, buy 2 get 2, buy 1 get 20% डिस्काउंट, buy 2 get 30% डिस्काउंट। यहां आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। आपके शहर भागलपुर का पसंदीदा शोरूम डी कोट लेकर आया है इस सीजन का सबसे बम्पर धमाकेदार ऑफर, buy 1 get 3, buy 2 get 4, buy 1 get 50% डिस्काउंट।
डी कोड एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति डी कोड एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम डी कोड एक्सक्लूसिव स्टोर। यहां आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए डी कोड और लगन के मौसम में इस भारी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोड, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के IIIT और BAU ने मिलकर एक ऐसा ऐप बनाया है जो किसानों के फसल की बीमारी का पता लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, रोग के साथ साथ इसके उपचार के बारे में भी जानकारी यह ऐप देगा। आपको बता दें, IIIT व BAU ने मिलकर ई निरोग नामक ऐप बनाया है। इसमें 11 तरह के फसलों के बारे में जानकारी दी जाएगी। अगर किसी फसल के पत्ते में छिद्र हो जाता है तो उसकी तस्वीर लेकर ऐप में अपलोड करेंगे। ई निरोग ऐप सॉफ्टवेयर की मदद से उसकी जानकारी देगा, साथ ही उसके उपचार के बारे में बताएगा। उपचार जानने के बाद किसान अपने नजदीकी कृषि केंद्र या दुकानों से दवाइयां ले सकेंगे। इससे अब किसानों को काफी सहूलियत होगी। पहले फसलों में बीमारी होने के बाद उसकी जानकारी और उपचार के लिए किसानों को जद्दोजहद करना पड़ता था। IIIT के निदेशक प्रोफेसर अरविंद चौबे ने बताया कि BAU के कुलपति ने यह बताया था कि किसान जब अपने खेत पर जाते हैं, उनके फसल सूखे मिलते हैं या पत्तों में छिद्र होते हैं, इसके बाद किसानों को जल्द उनकी समस्या का निदान नहीं मिलता। इसलिए ऐसा सॉफ्टवेयर बनाइए कि उन्हें जानकारी मिल जाए। इसके बाद IIIT के फैकल्टी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर विकसित किया। इससे ये फायदा होगा, किसान जब खेत पर जाएंगे और जो पौधा इन्फेक्टेड मिलेगा उसकी तस्वीर लेकर अपलोड करेंगे, इसके बाद उन्हें सारी जानकारियां मिल जाएगी। इससे किसानों की खेती आसान हो जाएगी, समय पर बीमारी का उपचार मिल सकेगा, पैदावार भी इससे अच्छा होगा। इस ऐप में गेहूं, मक्का, धान सहित कई तरह के फसल के बारे में जानकारी मिलेगी। इससे फायदा यह है कि किसान जब जाएंगे खेत में तो अपने मोबाइल से जो पौधा इन्फेक्टेड है, रोग ग्रसित है, उसका फोटो लेंगे और फोटो लेने के साथ ही ऐप जो डेवलप किया गया है उसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के साथ जो मेरा सर्वर में वो फोटो चला जाएगा और वहाँ पर मेरा सॉफ्टवेयर AI बेस्ड सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, वो तुरंत इमेज जो फोटोग्राफ गया उसको तुरंत वो उसको पहचानने की कोशिश करेगा और पहचानने के साथ ही उसका पहले से जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट हैं, हर एक रोग का अलग अलग निदान का क्या क्या समस्याएं हैं तो उसे क्या निदान होगा उसका उपाय बताए हुए हैं, वो उपाय किसान के मोबाइल में तुरंत SMS के रूप में चला जाता है और किसान उसको पढ़ के उसी के अनुसार कि कितने लीटर पानी में कितने घोल बनाने हैं, छिड़काव करने हैं, पूरा सारी समस्याएँ उस पर लिखी रहती हैं, उसके अनुसार वो छिड़काव करते हैं। इसके बाद फिर हमने एक नया सिस्टम और डेवलप किया कि किसान जो पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको टेक्स्ट मैसेज पढ़ने में दिक्कत होती थी तो हमने एक प्ले सिस्टम किया कि वो प्ले बटन दबाएंगे तो टेक्स्ट मैसेज में जो हिंदी या इंग्लिश में जो भी लिखा हुआ है वो उसी को हिंदी में उनको मैसेज को हिंदी में सुनाएगा उसको। तो ये जो ऐप बना ये अभी विश्व में पहली बार ऐसा सिस्टम है जो हमने डेवलप किया। इसमें
कहीं भी किसी भी आदमी का, किसी भी साइंटिस्ट का, किसी मैन पावर का जरूरत नहीं है। सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम में आगामी 4 जुलाई को श्रावणी मेला उद्घाटन को लेकर सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने स्थानीय पदाधिकारियों के साथ अजगैवीनाथ गंगा घाट, नमामि गंगे घाट, कांवरिया ठहराव स्थल, पुलिस बल ठहराव स्थल का निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने मीडिया को बताया कि 2 माह का श्रावणी मेला होना है, इसके लिए पुलिस बल के आवास की जरूरत है। कल तक जिला में सभी फोर्स आ जाएंगे जिन्हें अजगैवीनाथ धाम के विभिन्न जगहों में ठहराया जाएगा। जगह को चिन्हित कर लिया गया है। अगले वर्ष की तरह इस वर्ष भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही नमामि गंगे घाट में श्रावणी मेला उद्घाटन होना एवं अजगैवीनाथ गंगा घाट पर भी एक छोटा सा कार्यक्रम होना है। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है, जो कमी है कल देर शाम तक पूरी कर ली जाएगी। इस दौरान सीओ अमित राज, बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू, कृषि पदाधिकारी अजय मनी, एसआई अशोक कुमार सिंह सहित जिला के पदाधिकारी एवं प्रखंड के पदाधिकारी मौजूद थे। के लिए जो घूम रहे हैं तो सारा फोर्स आवासन की तैयारियां हम लोग देख रहे हैं। कल तक लगभग संभावित है कि कुछ बल हम लोग जिला में आ जाएंगे। उन लोग का आवासन इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि 2 महीने का प्रोग्राम है, तो निश्चित रूप से आवासन पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो पार्किंग, जो चिन्हित पार्किंग हर एक वर्ष होती है, वही पार्किंग इस बार भी रहेंगे। और साथ ही साथ जहाज घाट में जो उद्घाटन का कार्यक्रम है और सीढ़ी घाट में जो उद्घाटन एक छोटा सा होता है, उन सब की भी तैयारियां ससमय चल रही है। कल देर शाम तक सारी उद्घाटन के लिए तैयारियां पूर्ण हो जाएगी। भागलपुर में हुई बारिश ने 17,68,00,000 की लागत से कराए गए कटाव रोधी कार्य की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव में बीते वर्ष गंगा किनारे तेज कटाव हुआ था, जिसके बाद कई घर गंगा में समाहित हो गए थे। इसके बाद जल संसाधन विभाग ने कटाव रोधी कार्य के लिए 17,68,00,000 रुपये दिए। गंगा किनारे जियो बैग डाल दिया गया। अब बारिश होते ही ऊपर लगाई गई बोरियां ताश के पत्तों की मानिंद ढह गई। इसके बाद आनन फानन में फिर इंजीनियर द्वारा उस हिस्से में बोरी लगाई जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर जनता की गाढ़ी कमाई कब तक सरकार के अधिकारी पानी में मिलाते रहेंगे। करोड़ों के काम का जब बारिश में यह हाल है, तो आगे गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने के बाद क्या हालत होंगे, इसका सहज ही अंदाज लगाया जा सकता है। जब हमारे संवाददाता ने जल संसाधन विभाग के इंजीनियर को इसको लेकर सवाल किया, तो इंजीनियर साहब जवाब नहीं दे पाए। ग्रामीणों में अब डर है कि कहीं इस बार फिर उनके आसियाने ना उजड़ जाएं। काम कुछ नहीं हुआ है, सब खाली यहाँ लूटपाट हो रहा है। जो यहाँ का जेई है उससे पूछने के बाद बोलता है कि हम काम ही नहीं करा रहे, काम सरकार करा रही है। तो वो यहाँ किस लिए है? यहाँ पे अभी बोरी, अभी 2 दिन, 1 दिन बारिश, 1 घंटे बारिश नहीं पड़ा है, सारा बोरी नीचे ढह गया। ये कौन सा काम हो रहा है? पिछले बार साला लकड़ी का रहा था तो इससे बेटर काम हुआ था, लेकिन इस बार तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। बोलने के बाद बोलते हैं हम काम ही नहीं करा रहे थे। हाई यहाँ किस लिए? नीचे 6 लेयर देने का, तो कहीं 3 लेयर, कहीं 4 लेयर, कहीं 5 लेयर दे के भाग गया सब। पूरा काम भी नहीं किया है। इस बार तो और जाएगा, इस बार तो कुछ काम नहीं है। पिछला बार तो वो लकड़ी गाड़ के जो गया था, उस टाइम काम थोड़ा ठीक था। ये तो काम तो कुछ नहीं हुआ है, ये तो सारा ही बुरिया ससल के चला जाएगा। ये पूरा लूट है, ये बिल्कुल लूट हुआ है। जितना भी काम हुआ है बिल्कुल लूट है। जेवे जी है, ये 4 महीने से काम करा रहे हैं इंजीनियर साहब। भागलपुर के लोदीपुर थाने की पुलिस ने बालू के अवैध रूप से खनन करने के आरोप में राजद के प्रदेश सचिव मोहम्मद अफान आर्यन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को काफी समय से सूचना मिल रही थी कि राजद के प्रदेश सचिव के द्वारा अवैध तरीके से बालू का खनन कर ट्रैक्टर के द्वारा बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा जाता था, जिसको लेकर पुलिस काफी समय से इनके ट्रैक्टर को पकड़ने के प्रयास में लगी हुई थी। वहीं आज लोदीपुर थाना के पास राजद के प्रदेश सचिव की ट्रैक्टर बालू ले जाते हुए पकड़ी गई, तब पुलिस ने इन्हें बताया और पूछताछ के बाद अवैध तरीके से बालू खनन करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें मेडिकल जाँच के बाद जेल भेज दिया गया है। चलवाता है। जब मैंने फोन किया था प्रभारी को और जो एसआई पकड़ा था, उन्होंने बोला कि आप आइए, आपको गाड़ी को छोड़ दिया जाएगा। कुछ पैसे का डिमांड वगैरह कर रहे थे, बुलवाया गया 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा करते करते जो है उन्होंने, फिर जब मैंने बोला डीएसपी साहब को, मालूम चला डीएसपी साहब से बात की, जब मैं फोन लगाने लगा मेरा मोबाइल छीन लिया। बोला आप लोग कहाँ फोन लगा रहे हैं? और उसी समय जो कि 2-3 गाड़ी था, मेरी गाड़ी को सिर्फ टारगेट करके पकड़ा और 2-3 बाकी जो गाड़ी था उन लोग से 25,000 रुपये ले करके छोड़ दिया गया जी, वो सब गाड़ी को छोड़ दिया गया। एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक पार्टी पॉलिटिकल वाले लोगों को झूठ मूठ का साजिश के तहत फंसा करके वो आदमी जेल भेजेंगे उनको, तो आम पब्लिक का क्या आरोप लगाया कि बालू का तस्करी कर रहे थे? जी क्या आरोप लगाया?
आरोप जो है बोला बालू की आपकी गाड़ी चलती है, जो कि मैं बालू से मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हूँ, मुझे राजनीतिक से फुर्सत नहीं मिलती है, मैं समाज के बीच में काम करता हूँ, समाज को लेकर के मैं चलता हूँ। भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम में जिला पदाधिकारी के निर्देश पर आगामी 4 जुलाई को विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में कांवरियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट एसी शांत राठी दलबल के साथ पहुंचे। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट एसी शांत राठी ने भागलपुर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, पुलिस लाइन डीएसपी संजीव कुमार, थाना अध्यक्ष प्रियंजन कुमार से मुलाकात करते हुए नमामि गंगा घाट, अजगैवीनाथ गंगा घाट, कच्ची कांवरिया पथ का जायजा लिया। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट एसी शांत राठी ने मीडिया को बताया कि कांवरियों की सुरक्षा के लिए इस बार सीमा सुरक्षा बल की तैनाती गंगा घाट से लेकर कच्ची कांवरिया पथ तक रहेगी। इस बार कांवरियों को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी, कांवरियों को कोई भी परेशानी नहीं होने की बात कही गई। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के सैकड़ों जवान एवं पुलिसकर्मी मौजूद थे। कांवरियों की सुरक्षा के लिए हमारे वरीय सीनियर महोदय के निर्देशन पर काम चल रही है, जिसमें फोर्स डिप्लॉयमेंट की जा रही है, और जहाँ जहाँ जरूरी है, जहाँ जहाँ ऐसा लग रहा है हम लोग को, अभी हम घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ लग रहा है कि फोर्स की जरूरी है वहाँ हम लोग फोर्स। भागलपुर के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में आगामी 4 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी का जायजा लेने मालदा डिवीजन के एडीआरएम शिव कुमार प्रसाद रेलवे विभाग के अधिकारियों के साथ सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान मालदा डिवीजन के एडीआरएम शिव कुमार प्रसाद ने रेल विभाग के अधिकारियों के साथ सुल्तानगंज स्टेशन का निरीक्षण करते हुए जायजा लिया। साथ ही एडीआरएम शिव कुमार प्रसाद ने रेल विभाग के अधिकारियों को कांवरियों की सुरक्षा व्यवस्था एवं ठहराव स्थल पर समुचित व्यवस्था करने का आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। वहीं पूर्व स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय महेंद्र नारायण सिंह के पुत्र भानु प्रकाश सिंह ने रेलवे स्टेशन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा जर्जर होने पर ठीक कराने की मांग की, जिसके बाद रेलवे विभाग के द्वारा अपने खर्च पर प्रतिमा को ठीक कराने का आदेश भानु प्रकाश सिंह को दिया। इस दौरान एडीआरएम शिव कुमार प्रसाद ने मीडिया को बताया कि आगामी 4 जुलाई श्रावणी मेला प्रारंभ है, इसके लिए रेल विभाग के द्वारा कांवरियों के ठहराव एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारी युद्ध स्तर से की जा रही है। इस बार कांवरियों को रेल विभाग के द्वारा श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन एवं सभी ट्रेनों का ठहराव, कांवरियों को ठहराव स्थल पर समुचित व्यवस्था की जाएगी, कांवरियों को कोई परेशानी नहीं होने की बात कही गई। इस दौरान रेल विभाग की सीनियर डीसीएम कार्तिक सिंह, डीएससी एके कल्लू, एसीएन रमन कुमार मिश्रा, स्टेशन डायरेक्टर रमेश चंद्र विरोली, कमर्शियल इंस्पेक्टर अमर कुमार, स्टेशन अधीक्षक दीपक कुमार, बांका सांसद प्रतिनिधि पवन किसान, आरपीएफ इंचार्ज सहित रेल विभाग के अधिकारी मौजूद थे। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर में श्रावणी मेला को लेकर पंडा दुकानदार फोटोग्राफर का पहचान पत्र के लिए आवेदन देने की शुरुआत हो गई है। इस दौरान संवेदक प्रताप जायसवाल ने बताया कि 2 जगह काउंटर बनाया गया है, आज से आवेदन लेने की शुरुआत हुई है, जो अब तक 100 से अधिक लोगों का आवेदन जमा हो गया है, और कहा कि नगर परिषद क्षेत्र में जितने भी दुकानदार फोटोग्राफर पंडा है जो श्रावणी मेला में कार्य कर रहे हैं, उन लोगों का पहचान पत्र बनाना अनिवार्य है, नहीं बनाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 2023 को लेकर के पंडा पहचान पत्र, दुकानदार पहचान पत्र, फोटोग्राफर पहचान पत्र, इस सब के लिए यह थाना में वेरिफिकेशन सेंटर है और इसका एक ऑफिस है बालूघाट रोड आस्था केंद्र में, वहाँ पर भी एक सेंटर है, वहाँ पर फॉर्म वगैरह रसीद वगैरह कट रहा है और थाना में वेरिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, क्या जगह काउंटर लगाया गया है? 2 जगह काउंटर लगाया गया है, एक थाना में, एक आस्था केंद्र बालूघाट रोड में। तो क्या रूल रेगुलेशन है इसके बारे में? रूल रेगुलेशन में आधार कार्ड, 2 फोटोग्राफ, करेक्टर प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, ये सब ले करके वहाँ रसीद कटा करके फिर थाना में वेरिफिकेशन कराना है थाना अध्यक्ष के द्वारा, यहाँ जो भी बैठेंगे। क्या चार्जिंग है उन लोगों का? 410 रुपया है चार्ज दुकानदार फोटोग्राफर का, 1110 रुपया है वीडियोग्राफर का, फोटोग्राफर का, पंडा का 410 रुपया, दुकानदार का भी वही रेट।